वैसे ये बंदा वो स्नाइपर नहीं था, कोई और है, तो उस वो पहले मेरे को मारे, उससे पहले मैं हील मार के निकल। ओ भाई और वन डायलॉग, क्या हाल चाल? तुम्हारा भाई लेके आ चुका है और एक सोलो वर्सेस स्क्वाड का गेम प्ले वीडियो इन पबजी मोबाइल। हाँ, ये हार्डकोर मोड में है क्योंकि मैं क्लासिक में अपना रैंक नहीं करना चाहता। बाकी स्कूल तो हॉट ड्रॉप में था, लेकिन मेरे साथ हो गया धोखा, कोई भी नहीं आया स्कूल, तो थोड़ा लूटपाट मचाते हैं, बाकी निकलते हैं कंटेंट की तलाश में। यहाँ पर हम स्कूल को पूरी तरह से लूट चुके हैं, एक M7 और स्टारल, बाकी की जरूरी चीजें तो मिल गई, लेकिन बंदे नहीं मिले। तो हम कंटेंट के तलाश में और बंदों के तलाश में निकल ही रहे थे कि मेरे पीछे आ गया एक यूएस। जैसे कि मैक्सन चाचा हमारा बोलते हैं, किस्तों में आओगे किस्तों में ही जाओगे। अगर गांड में इतना ही गुब्बारा है तो स्क्वाड गेम लगा ले, बाकी 3 लोगों का गेम क्यों खराब करता है? तो भाई ऐसे बंदे जहां दिखे फिनिश ही कर दो। उस हीरो बंदे को मारने के बाद हम इधर उधर घूम ही रहे थे कि एक बंदा किल फील्ड में कतई तबाही मचा रहा था, तो हम भी आ गए थोड़े मजे लेने, लेकिन ये बंदा कर देता है गलती। ये अगर गाड़ी पे ग्रेनेड मार देता या हॉलवे में ग्रेनेड मार देता, तो इस पे जो डायरेक्ट पुश हुआ वो नहीं होता। फिर छोड़ो, अच्छा बंदा था, इसको हाथ से नहीं गोली से मारेंगे, देना चाहिए। बाकी यहाँ पर हम थोड़ा लूटपाट मचाते हैं और निकल ही रहे थे, लेकिन हमें भाई देखो, ये स्काउट का पोता मुझे ऑलमोस्ट मेरा कंटेंट की माँ भी कर चुका है। खैर छोड़ो, थोड़ा हील मारते हैं कि इसके मार लेंगे, लेकिन तगड़ा स्प्रे था भाई, गाड़ी फोड़ देता। अगर 2 फुल स्पर के साथ आता तो गाड़ी फोड़ देता, मैं मर जाता भी छोड़ दे। ये बंदा मेरे पे कर चुका है पुश, तो हम भी कर देंगे इस पे पुश। चलो पीछे वाले तेरे को बाद में देखता हूँ, पहले आगे वाले को देखते हैं। एडीएस में हकने के बाद जो टॉप शॉट लिया भाई, चुम्मे से टॉप शॉट था, मैं खुद का ही तारीफ कर रहा हूँ, छोड़ यार। बाकी ये लो बंदा M4, वो बंदा मेरे को M4 दे के गया और पीछे वाले को मारने की बोल के गया, पीछे वाले को मार लेते हैं। ये बंदा मेरे को खुले में पुश करता है, और वो भी एडीएस खोल के। अगर ये हिप फायर देता तो मैं मर जाता, और अगर मैं एडीएस ना खोलता वहां पर तो मैं मर जाता, बाकी इसके टीममेट को भी मार लेंगे। कहाँ गया, दिख गया मेरे को। M4 4S का स्प्रे और इसे भाई मर गए। आजा बैटिंग, कोई और है तो आ जाओ, लेकिन कोई नहीं आया तो मार देते। चलो यहाँ का काम खत्म हुआ, गाड़ी उठाते हैं निकलते हैं। इस घर में आ गए हम, स्कूल के आसपास ही लोकेशन था, यहाँ पर गाड़ी लगी पड़ी थी, ले यहाँ पर पुश करके आए तो कोई नहीं था, लेकिन सामने से और एक गाड़ी आ गई और वो ड्रॉप लूटने गई। बाकी इनके साथ अब क्या होगा आइए। यहाँ पर मैं थोड़ा M4 इसे स्प्रे में हक देता हूँ, क्योंकि मैं खड़ा होकर स्प्रे दे रहा था। अगर सारे इक्विपमेंट सही होते और मैं क्राउच करके स्प्रे देता सेम स्प्रे, तो एक ही रिलोड के अंदर ही अंदर दोनों के दोनों बंदे नॉक होने चाहिए, लेकिन 2 स्प्रे लगे, 2 स्प्रे मतलब 80 बुलेट्स।
बहुत महंगे होते हैं भाई। किल कंफर्म करते हैं क्योंकि खुले हैं, मरे पड़े थे कोई भी ले सकता था उन्हें, तो हमें किसी और को किल नहीं देना, हमारे ही लेना है, हमारे लिए कंटेंट बनाना है, किसी के और के लिए नहीं। तो यहाँ पर थोड़े लूट मचाते हैं और गाड़ी निकालते हैं यहाँ से। ये जो बंदा था वो स्नाइपर शॉट ये मिस किया, किसी की यही गलती की वजह से ये अब गेम से बाहर जाए। मैं तो आ गया कबर में, अब ये बंदा मेरे पे करता है खुले में पुश। ये आ गया अभी मेरे लेफ्ट में, ग्रेनेड कुक करेगा। हाइपर था, इसकी गलती क्या हुई? ये अपना एडीएस एकदम, अपना कॉर्सर एकदम दीवार में एकदम घुसेड़ दिया था तो मर गया गन ग्लिच के वजह से। उस बंदे का किल निकाल के हम और किल्स के लालच में खुले में घूम ही रहे थे कि एक बंदा खुले में बिना किसी कवर में स्नाइपर शॉट ले रहा था। तो उसकी गलती का जुर्माना अपनी जान दे। अब जी मैं ऑब्वियसली अब ये खुले मैदान में कार 98 टेस्ट तो नहीं कर रहा होगा कि चलता है कि नहीं चलता, सामने वाले में चला रहा होगा, किसी एनिमी पे ही चला रहा होगा। तो एनिमी को मैं स्पॉट करने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी मेरे सामने आ गया ड्रॉप, और ड्रॉप के लालच में जब मैं पीछे गाड़ी उठाने देखा तभी मेरे पीछे दिखे। मौत तो होनी थी। मेरे को पता है सामने बंदा है, पीछे क्लियर है, राइट में क्लियर है, तो मैं आराम से कवर के पीछे बैठ के लूट रहा हूँ। लेकिन तभी मेरे साथ हो जाता है धोखा। मेरे राइट से स्नाइपर शॉट पड़ा मेरे को, इसलिए मैं अपने गाड़ी पे स्मोक करता हूँ, गाड़ी को निकालता हूँ। ऐसे स्नाइपर शॉट मारा कोई और, भुगतना किसी और को पड़ेगा। वैसे ये बंदा वो स्नाइपर नहीं था, कोई और है, तो उस वो पहले मेरे को मारे, उससे पहले मैं हील मार के निकल। ओ भाई निकलो 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 निकलो। मेरे पास M4 है, 6S है, और तेरे पास क्या है? R98 बस। मेरे को कोई ये बताओ अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ? वो बंदा मरा कैसे नहीं और एकदम से गायब भी हो गया? अभी मेरे रिकॉर्डर मेरे को BT दे देता है। मेरा रिकॉर्डर बंद हो गया था, मैं फिर से रिस्टार्ट कर रहा हूँ, तब ये बंदा पोजीशन चेंज कर दिया था। और ये रहा मेरे रिफ्लेक्सेस की वजह से ये मरेगा। इतना अच्छा भी रिफ्लेक्स नहीं है, लेकिन जो भी है बहुत सही है, एवरेज से बहुत ज़्यादा है, तो मान लो कि अच्छा है। मेरे को पता है कि सामने दो बंदे हैं, खुले में जोन है, रिच पे जोन है, तो मैं जाता हूँ रिच पकड़ने के लिए। पता है कि बंदे साफ होके पड़े होंगे, तो यहाँ पर ये बंदा साफ होके ही पड़ा हुआ था, लेकिन इस पे गाड़ी तो चढ़ा नहीं पाया। खैर छोड़ो, ग्रोजा उठाए थे, ग्रोजे की थोड़ी ब्लेड्स यूज कर लेते हैं। बाकी एक बंदा वहां पर सोया पड़ा, वहां पर सोया पड़ा, सीरियसली ब्रो।
इस वीडियो में इतना ही। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक ले सयोनारा। आज बात उसकी है, कल बात तुझ पे भी आएगी, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाए।